हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? न माधव समो मासो न कृतेन युगम समम न च वेद समम शास्त्रम न तीर्थम गंगया समम। वैसाख के जैसा कोई महीना नहीं है, सतयुग के समान कोई युग नहीं है, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं है और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है। आ गया है वैसाख का महीना आज से दोस्तों, 10 मई तक रहने वाला है। कुछ उपाय आपको बता देती हूँ अच्छे अच्छे जो आपको कर गुजरने हैं। हमारे हिंदू पंचांग में दूसरा महीना माना जाता है वैसाख का महीना, और पुराणों के अनुसार इस महीने में अगर आप कुछ दान पुण्य करें, जल का दान करें, तो बहुत ही लाभदायक होने वाला है और धन की, असीम धन की प्राप्ति होती है ऐसा माना जाता है। तो दोस्तों, इस महीने में आपको जल दान जरूर करना है, प्यासों को पानी पिलाना है। प्यासों को पानी पिलाने से भगवान विष्णु, ब्रह्मा और शिव तीनों प्रसन्न होते हैं। इस बार वैसाख का महीना 12 अप्रैल यानी कि बुधवार यानी आज से शुरू होकर के 10 मई बुधवार तक रहने वाला है। और जैसा मैंने बताया, धर्म ग्रंथों में भी लिखा है कि वैसाख के समान कोई महीना नहीं है, सतयुग के समान कोई युग नहीं है, गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है। तो दोस्तों, इस मंथ में गंगा स्नान करने का भी और विष्णु भगवान के पूजन का भी खास महत्व आता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार स्वयं ब्रह्मा जी ने वैशाख मास को सबसे उत्तम मास बताया हुआ है। और अगर आपका गुरु ग्रह कमजोर है या आप धन धान्य की प्राप्ति करना चाहते हैं, धन लाभ करना चाहते हैं, बेरोजगार हैं, रोजगार की प्राप्ति करना चाहते हैं, आपका बिजनेस डाउन है, आप बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, तो इससे उत्तम मास नहीं है, क्योंकि गुरु ग्रह और विष्णु भगवान दोनों का वास होता है इस मास में। ऐसा माना जाता है कि वैसाख मास में जो भी पूजन करेंगे तो धन धान्य और रोजगार मिलता है। बहुत शुभ मास आज से लगा है दोस्तों, हर काम में सफलता मिलने वाली है। गुरु ग्रह का प्रभाव इसमें रहता है और शास्त्रों में वैसाख मास को अद्भुत महिमा का कारक बताया गया है, और विष्णु देव और गुरु मिलकर धन देते हैं। तो अगर आप करेंगे विष्णु भगवान और गुरु के उपाय, तो विष्णु भगवान और गुरु दोनों मिलके आपको धन धाने से बम बम कर देंगे। दोस्तों, कृष्ण भगवान भी विष्णु भगवान का एक स्वरूप है, और इस मंत्र में अगर आप कृष्ण भगवान की भी पूजा करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके जीवन की सारे कष्ट दूर हो जा रहे हैं। दोस्तों, धर्म ग्रंथों के अनुसार जो इस मास में जल दान नहीं कर सकता है, वह यदि दूसरों को जल दान का कम से कम महत्व समझाए तो भी उसे श्रेष्ठ फल की प्राप्ति होती है। सुबह सुबह सूर्योदय से पहले आपको स्नान कर लेना चाहिए। अगर आप गंगा स्नान कर सकते हैं तो इससे ज़्यादा तो कोई लाभदायक नहीं है। ट्राई करें, वेकेशन का भी टाइम है कि गंगा स्नान करने भले दूर है, जाएं गंगा स्नान करने, हरिद्वार जाएं, बनारस जाएं, या जहाँ पे भी जाके कलकत्ता जाएं, आप गंगा स्नान करके आएं अगर पॉसिबल है तो, और नहीं तो कोई भी तीर्थ में स्नान करें। और तीर्थ का जल इस मंथ में अपने घर में ला कर रखें, आप देखेंगे कि कितना आपके घर की एनवायरनमेंट चेंज हो गया है, नेगेटिव एनर्जी टोने टोटके आपके घर से दूर होते हैं। और बच्चों को भी इस मंथ में सुबह सुबह, जिनके घर में छोटे बच्चे हैं, वो भी अपने बच्चों को सुबह स्नान कराएं, जल्दी लेट स्नान ना कराएं, ऐसा करने से घर से बीमारियां दूर हो जाती है। दोस्तों, जो मनुष्य इस महीने में एक भी प्याऊ लगाता है वह विष्णु लोक में स्थान पाता है। अगर आप प्याऊ अकेले नहीं लगा सकते, अपनी कॉलोनी वालों के साथ मिलकर के, अपनी जो भी क्लब वालों के साथ मिलकर, या अपना जो भी फ्रेंड सर्कल है उनके साथ मिलकर के कहीं एक प्याऊ लगवा दे, प्याऊ ना भी लगवा सके तो कम से कम चौरस्ते पे एक घड़ा पानी रोज रखाने की व्यवस्था कर दें दोस्तों, बहुत असीम पुण्य की प्राप्ति होगी इससे। और फिर से ऐसा माना जाता है कि सभी देवताओं को और पितरों को आप जो जल दान करते हैं, आपके सारे पितृ दोष दूर होते हैं, आपके जो जितने देवी देवता हैं वो संतुष्ट होते हैं। दोस्तों, बहुत ही उत्तम महीना है वैशाख का महीना है, और हर महीने के लिए हमारे
शास्त्रों में हर महीने के लिए एक भगवान को अपॉइंट कर दिया गया है। और वैशाख के महीने में एक मंत्र आपको बताती हूँ, वो आप अगर स्मरण करेंगे, वो आप जप करेंगे, विष्णु पूजा के, विष्णु जी की पूजा करेंगे, तो दोस्तों आप देखेंगे आपका जीवन पूरा सफल हो गया है। दोस्तों बैसाख मास के स्वामी भगवान मधुसूदन माने जाते हैं और धर्म ग्रंथों के अनुसार सूर्य देव के मेष राशि में आने पर भगवान मधुसूदन के निमित्त बैसाख मास में स्नान का व्रत लेना चाहिए। मधुसूदन कौन हुए? कृष्ण भगवान हुए। इसके बाद स्नान करना है आपको सुबह सुबह, अगर गंगा स्नान कर सके तीर्थ स्नान कर लें अच्छी बात, नहीं तो घर पे थोड़ा सा तीर्थ का जल 2-3 ड्रॉप डाल के स्नान करें, वो भी बहुत अच्छा होता है। फिर कृष्ण भगवान की आपको पूजा करनी है। इसके बाद आपको कृष्ण भगवान का एक मंत्र है, वो मंत्र आपको 108 बार तुलसी की माला से आपको जपना है। शास्त्रों में भी कहा गया है मधुसूदन से इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए, मधुसूदन देवेश वैशाखे मेषगे रवो प्रातः स्नानम करिष्यामि निर्विघ्नम कुरु माधव। इसका मतलब है, हे मधुसूदन, मैं मेष राशि में सूर्य के स्थित होने पर वैशाख मास में प्रातः स्नान करूंगा, आप इसे निर्विघ्न पूर्ण करिए। इसके बाद मंत्र बोल करके आपको अर्घ देना होता है। वैशाखे मेषगे भानो प्रातः स्नान परायण अर्ध्य तेहम प्रदास्यामि गृहाण मधुसूदनम। इस मंत्र से आपको जप करना है। और दोस्तों आपको बता दूं, वैशाख मास में आप जितना भी दान पुण्य करेंगे आपके लिए उतना ही उत्तम होना। पानी का दान तो आपको मैंने बता ही दिया, पानी दान कैसे करना है, पानी का दान आप ज़रूर करें, घड़ा दान, इससे माना जाता है कोई भी बीमारी नहीं होती है। पंखे का दान बताया गया है, पंखा का दान करने से कहा जाता है आपको भी शुद्ध हवा की प्राप्ति होती है, शुद्ध वायु, पोल्यूशन से होने वाली बीमारियां नहीं होती है। खरबूजा दान करना चाहिए, खरबूजा या तरबूज दान करें, इससे शुद्ध आचार विचार, शुद्ध भोजन की प्राप्ति होती है। और विष्णु लक्ष्मी माता का पूजन करें, विष्णु भगवान का पूजन करना चाहिए खास तौर पर, और लक्ष्मी माता अपने आप विराजमान हो जाती है। दोस्तों इस टाइम में, ये एक महीने में आपको एक टाइम अगर आप भोजन कर सकें तो बहुत ही अच्छी बात है। ज़्यादा भूख लगती है तो रात के समय फल फ्रूट्स खा लें, शाम को 7 बजे के बाद खाना खाना की मनाही होती है। और अगर आप नॉनवेज खाने वाले हैं तो इस महीने में अगर आप त्याग सकें तो बहुत अच्छा रहेगा, सिर्फ साग सब्जी का सेवन करें। आपको केले के पौधा पे दूध बतासा डाल करके जल चढ़ाना है, ये सबसे अच्छा होगा, इससे आपका गुरु बलिष्ठ होगा, इससे आपको धन धान्य की प्राप्ति होगी। दोस्तों प्याऊ बनवाना तो बहुत ही अच्छी बात है, खरबूजा पंखा आदि मैंने बताया। आम का दान आप कर सकते हैं, इस मंथ में आम का दान करना बहुत लाभदायक है। जो भी सीजनल फ्रूट्स है जैसे आम खरबूजा तरबूज, खुद खाने के पहले हमेशा एक पीस आपको किसी भी नीडी पर्सन को जो ज़रूरतमंद है उसको दान करें, हो सके तो कपड़े का भी दान करें, फिर ये जो भी खाने वाली चीज़ें हैं इन सब चीज़ों को आप खाएं। अब मैं फटाफट बता दूं दोस्तों, इस मंथ में आपको रोज़ हनुमान चालीसा का एक पाठ करना है। रोजगार प्राप्ति के उपाय बता रही हूँ आपको, लगातार अगर हो सके तो रोज़ नारियल पानी 12 या 11 बूंद विष्णु भगवान या गुरु भगवान के ऊपर या केले के जड़ में डालें और शेष जल आपको पीना है। आपके जो घर का मुख्य द्वार है उस पर आपको रोज जल में हल्दी डाल करके सुबह सुबह दरवाजे पे छींटना है। तेल नहीं लगाना है, इस मंथ में तेल का लगाना निषेध होता है और दिन में सोना भी निषेध माना जाता है। शरबत दान करें, शक्कर मिला के चीनी मिला के पानी में, उसका भी दान बहुत उत्तम माना जाता है। और बच्चों को एक टुकड़ा गुड़ ज़रूर खिलाएं, इससे भी गुरु बलिष्ठ होता है और आप भी गुड़ चने का भोग लगाएं। दोस्तों रोजगार के लिए एक समय का व्रत सबसे उत्तम माना गया है, वो ज़रूर करें और तुलसी की पूजा करें रोज। तांबे के लोटे में जल लेकर के दूध, थोड़ा सा उसमें दूध डाल लें, गुड़ डाल लें, इसको घोल करके आपको तुलसी गाछ को चढ़ाना है।
शाकाहारी खाएं, बेलपत्र और आंवला को पीस करके बॉडी पे उसका लेप लगा सकते हैं। शिवलिंग की पूजा करें, हो सके तो रोज जा कर के शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, काजल दान कर सकते हैं। शनिवार जो आएगा वैसाख के महीने में, उसमें काजल का दान करें, गरीबों को दान दें, धन धान्य सुख मिलेगा और धन और ऐश्वर्य का महीना है दोस्तों। वैसाख के महीने में बार बार कह रही हूँ, गंगा स्नान अगर हो सके या तीर्थ स्नान करें। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक उपाय बताती हूँ, हाथी के पैर के नीचे की मिट्टी को घर ले आए और नारंगी सिंदूर, ऑरेंज कलर वाला सिंदूर मिला करके उसको घर में पूजा स्थल में एक कटोरी में रख लें, धूप दीप दिखा कर रखें और रोज वो तिलक आप सिर पे लगाएं। इससे सारी बाधाएं तो दूर होगी ही, साथ में वशीकरण भी बहुत स्ट्रांग होगा, हर कोई आपके कंट्रोल में होगा, सारे सिचुएशन आपके कंट्रोल में होने वाले हैं, रोजगार की प्राप्ति होने वाली है, धन धान्य से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है वो दूर होंगे। अगर आपने किसी को कर्जा दिया है और उसके पास ये तिलक लगा करके आप पैसे वसूलने जाएंगे तो भी आपके पैसे वापस आ जाएंगे। अगर आप कोई इंस्टीट्यूट रन कर रहे हैं, कोई कॉलेज रन कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी रन कर रहे हैं, वो नहीं चल रहा है, वहाँ पर भी रोज अपने वर्क प्लेस में, अपने व्यवसायिक स्थल पे, अपनी दुकान पे ये तिलक को लगा करके जाएं और देखिए कमाल कैसे लोग आपके कंट्रोल में होते हैं, आपका बंद पड़ा संस्थान भी चल पड़ेगा। दोस्तों बैसाख का महीना विष्णु भगवान का महीना है, गुरु भगवान का महीना है, धन धान्य का महीना है। इस मंथ को आपको बहुत अच्छे से यूज़ कर लीजिए और देखिए कमाल कैसे ये महीना आपकी सारी रोजगार की, पैसे की संबंधी परेशानियां दूर करने वाला है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, कोई प्रॉब्लम हो प्लीज़ मुझे वीडियो के नीचे लिख के पूछ लें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली से ज़रूर शेयर करें, हमें नहीं पता कौन सी वीडियो कब किसकी लाइफ बदल दे। प्लीज़ दोस्तों सारे दिन आप व्हाट्सएप और फेसबुक और ये और वो पता नहीं कितने सोशल साइट्स होते हैं, सब पे आप लोग सारे दिन रहते हैं, ये एक छोटा सा उपाय लोगों की ज़िंदगी बदलने में मदद कर सकता है, प्लीज़ सब लोगों से शेयर करें। बैसाख का महीना लगा है आज से लेकर के दोस्तों, तो इसको आपको कर लेना है उपाय को और देखिए दोस्तों कैसे लाइफ में चेंजेस आ जाते हैं। आज के लिए बस इतना ही, 10 मई तक आपको सारे ये उपाय कर लेने हैं दोस्तों और सब्सक्राइब करके रखें ताकि हमारे आने वाले वीडियो से आप कनेक्टेड रहें। आज के लिए बस इतना ही, खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते